हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल ग्लैमरस लक्ष्मी एंड मैं हूँ लक्ष्मी। आई होप आप सब भी भले चंगे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो ना लहरिया साड़ी हॉल वीडियो होने वाला है। एंड मुझे ना हर तरीके के कॉमेंट आते रहते हैं कि लहरिया साड़ी को हॉल वीडियो कीजिए, डेली वेयर साड़ी को हॉल वीडियो कीजिए। हालांकि वीडियो तो हमेशा आते ही रहते हैं हॉल वीडियो साड़ी के, तो उसमें क्या है, कोई कैटेगरी नहीं रहती कि हाँ यही साड़ी है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं कैटेगराइज करके कुछ वीडियोस शेयर कर देती हूँ। तो जिन्हें भी ऐसा है कि मुझे लहरिया साड़ी ही लेनी है, तो आज के हॉल वीडियो में से कोई ना कोई साड़ी आप अपने लिए पिक कर सकती हैं। और गंजा साड़ी है, जॉर्जेट में भी है, शिफॉन में भी है। तो बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज़ एक बार चैनल को स्क्रॉल कीजिए। अगर कुछ पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब सपोर्ट बहुत ही जरूरी है तो सपोर्ट कीजिए, एंड वीडियो पसंद आएगा तो मेक श्योर एक लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए मैं आपको एक एक करके साड़ी दिखाती हूँ। जो फर्स्ट साड़ी है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी साड़ी है, एंड इसके रील्स इंस्टा पर एंड यूट्यूब पर आई थिंक शॉर्ट्स भी डाल चुकी हूँ। आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया भर भर के। एंड दो तीन कमेंट मुझे ऐसे आ चुके हैं कि लहरिया पैटर्न में ऑर्गेंजा साड़ी का रिव्यू दीजिए, लहरिया पैटर्न में ऑर्गेंजा साड़ी का, कई बार ऐसे कमेंट्स आए हैं। तो इसके लिए मैंने ये वाला साड़ी ढूंढ के अभी रखा कि कहाँ है ये साड़ी, मैं दिखाती हूँ। ये मैंने पहना था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, एंड अच्छी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी ये वाली साड़ी। ये कुछ इस तरीके की साड़ी है, ना ही बहुत येलो में है एंड ना ही बहुत ग्रीन में है, मेहंदी ग्रीन टाइप का कलर है, एंड कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है, हैवी लुक देने वाली साड़ी है। अगर आप ब्राइड हैं तो भी अपने लिए ट्राई कर सकती हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। ये साड़ी भी मीशो से है, एंड ये जो इयररिंग्स हैं ये भी मीशो के ही हैं। मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगी दोनों ही चीज़ के, तो देख लीजिएगा, आपको जो भी अच्छा लगता है परचेज कर सकती हैं अपने लिए। ये कुछ इस तरीके का देखिए, ऐसा वुवेन वर्क वाला ये मिलता है, पल्ला मिलता है। एंड इधर में आते हैं तो ये इस तरीके का बॉर्डर है, और नीचे के साइड में ये देखिए, नीचे में ये इस तरीके का बॉर्डर मिलता है, एंड स्टार्टिंग में ऐसा वुवेन वर्क है। एंड उसके बाद इधर आते हैं तो ये लहरिया पैटर्न मिलता है, बीच बीच में बूटी मिलती है, वुवेन वर्क रखा है। हल्के कलर की ऑर्गेंजा साड़ी चूज कीजिएगा अगर आपको पसंद है या फिर लेना है तो। इससे क्या होता है ना कि ये बैक साइड का जो कटिंग होता है तो ये बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होता फ्रंट से, लेकिन अगर यही जैसे कोई डार्क कलर में साड़ियाँ रहती हैं तो उसमें विजिबल होता है। इस तरीके के जो पैटर्न होते हैं, जो कटिंग हुई रहती है बैक साइड से, ये सामने से दिखता है तो थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। इसके लिए मैंने ये वाला कलर लिया है। वैसे इसमें 7 कलर ऑप्शन और हैं, अगर आपको कोई और देखना है तो उसे भी परचेज कर सकती हैं। सारे की क्वालिटी सेम ही आएगी क्योंकि सेम सेलर से रहेगा। ये इस तरीके का बॉर्डर मिलता है, पिंक कलर का अंदर से फैब्रिक लगा हुआ है, एंड उसके ऊपर से समोसे वाली लेस लगी है। ये इस तरीके का पूरा ही ऐसा पैटर्न है साड़ी का, एंड ऊपर के साइड में तो जहाँ से पल्ला स्टार्ट करते हैं वहाँ से बॉर्डर मिलता है, एंड नीचे में ये वाला जो अलग से फैब्रिक लगाया गया है ना, ये रानी पिंक कलर का, ये कंटिन्यू है ये इस तरीके का। ऐसा आज तक ये वाला वुवेन वर्क हो रखा है, ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट खाली हो। 5.5 मीटर की साड़ी है, एंड ऊंचाई से इतनी अच्छी खासी है कि अगर आपकी हाइट 5'6" है तो भी आप ये साड़ी हील्स के साथ वेयर कर सकती हैं, एकदम परफेक्ट आएगी, छोटी नहीं पड़ेगी। एंड 5.5 मीटर की साड़ी है, लंबाई भी पर्याप्त है। पूरा 80 सेंटीमीटर ब्लाउज का फैब्रिक मिलता है, छोटी छोटी सी बूटी मिलती है, रानी पिंक कलर का ब्लाउज का फैब्रिक है। ये इस तरीके का बॉर्डर का कॉन्सेप्ट है, जैसा साड़ी का बॉर्डर है ना, सेम वैसा ही ब्लाउज का भी बॉर्डर मिलता है। ये ऐसा कलर है जो अभी आप लोग देख रहे हैं ना, एग्जैक्टली सेम टू सेम कलर यही है। ये इस तरीके की साड़ी है, साड़ी एंड ब्लाउज दोनों का फैब्रिक बहुत अच्छा है, एंड ज़्यादा महंगी नहीं है। आई थिंक 1000 के रेंज में साड़ी है, 1055 की साड़ी है। हाँ, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और प्राइस के अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छी है क्योंकि एकदम पहनने के बाद मस्त वाला लुक आ रहा था। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट साड़ी दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो है ये वाली ना, वेट मैं दिखाती हूँ, ऐसी ही दो साड़ियाँ हैं। तो पहले मैं आपको ना महंगी वाली दिखाती हूँ। एक है जो 900 में है, ये देखिए, ये दो साड़ियाँ हैं, जरा जरा सा कलर में एकदम माइनर सा डिफरेंस है जो कि शायद आपको पता भी ना चले। एंड इसका जो बॉर्डर है ये बहुत ही अच्छा एंड हैवी बॉर्डर है। ये देखिए, इसमें इस तरीके का बॉर्डर मिलता है तो वेडिंग के पर्पज़ से बहुत अच्छी है। इसमें आई थिंक कई सारे कलर ऑप्शन हैं, 7-8 कलर ऑप्शन हैं, तो जो भी परचेज करना चाहती हैं ले सकती हैं। लेकिन मुझे इस कॉम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा अच्छा यही वाला कलर लगा। वैसे कलर ऑप्शन तो बहुत सारा था, ऑरेंज, येलो एंड तोतिया कलर भी था, और भी बहुत सारा था, रेड में कई सारा कलर है, डार्क ग्रीन है, लेकिन मुझे ब्लू कलर बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने ब्लू कलर पिक किया है। और ये वाली साड़ी 959 की है। अब आप सोच रहे होंगे प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है इसका,
मुझे भी जब मैं ऑर्डर कर रही थी तो इसका ज्यादा लग रहा था, लेकिन जब ये आई ना तो इसका बॉर्डर देखिए, बॉर्डर का जो एम्ब्रॉयडरी है ना ये खुद ही बता रहा है कि हाँ ये साड़ी है, 1000 के अकॉर्डिंग प्राइस जैसा है वो एकदम ठीक है, एकदम बढ़िया सा सेटल्ड एम्ब्रॉयडरी हो रखा है, जॉर्जेट का फेब्रिक मिलता है, फेब्रिक एकदम चिकना और अच्छा वाला है, ऊंचाई से इतनी अच्छी खासी है कि 5-6 हाइट है, तो भी आप इसे हील्स के साथ नहीं लेकिन फ्लैट्स के साथ पहन सकती हैं, हील्स के साथ भी पहनेंगी, 1 इंच के हील्स के साथ भी जा सकती हैं, परफेक्ट आएगी। जहाँ से पल्ला स्टार्ट करते हैं वहां से 2 मीटर पूरा ये वाला बॉर्डर मिलता है, अंदर से रेड कलर का फैब्रिक लगाया गया है ये बॉर्डर में, एंड समोसे वाली लेस मिलती है, ये वाला पैटर्न बहुत सी साड़ियों में आ रहा है, एंड बाकी की साड़ी पूरी ही लहरिया पैटर्न में है, ये इस तरीके की डार्क ब्लू कलर का फैब्रिक है, अभी जो आप लोग कलर देख रहे हैं एग्जैक्टली सेम टू सेम कलर यही है, एंड इसके साथ रेड कलर का ब्लाउज मिलता है, बेंगलोरी सिल्क फैब्रिक में ब्लाउज है, ब्लाउज के फैब्रिक का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, एंड ये इतना सा बॉर्डर मिलता है जो कि आपके या फिर स्लीव में आएगा या फिर बैक में, दो में से एक ही जगह पर आ पाएगा, एंड 80 सेंटीमीटर ब्लाउज का फैब्रिक है, लेकिन इसका जो ब्लू के साथ रेड का कॉम्बिनेशन है ये अच्छा तो लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ना इसके साथ ना थोड़ा सा सेटल्ड टाइप का अगर कोई कलर पहना जाए ब्लाउज तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, जैसे इससे थोड़ा सा डार्क कलर में अगर रेड होता तो भी अच्छा लगता, ये एकदम चटक वाला रेड है तो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होगा, एंड ब्लू कलर जो है तो ये थोड़ा सा सेटल्ड सा कलर है, इसके साथ ब्लाउज का थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है कि ब्लाउज थोड़ा सा और डार्क होना चाहिए था तब और भी अच्छा लगता साड़ी। साड़ी 959 की है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट साड़ी दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो साड़ी है ये अगेन वैसी ही साड़ी है सेम उसी पैटर्न में, लेकिन इसका बॉर्डर देखिए, इसका बॉर्डर एकदम हल्का सा है, अगर आप ये साड़ी डेली यूज में भी यूज करना चाहती हैं तो भी परफेक्ट रहेगी, थोड़े दिन जैसे बाहर ओकेजनली वेयर किया फिर घर में पहनना चाहे तो निकाल के पहन सकती हैं, क्योंकि बॉर्डर से बहुत अच्छी है, बॉर्डर ना एकदम हल्का लाइट वेट है, एम्ब्रॉयडरी बहुत ही एकदम सेटल्ड वाली अच्छी वाली एम्ब्रॉयडरी मिलती है, ये इस तरीके का बॉर्डर मिलता है, ये मिरर वर्क हो रखा है, बीच बीच में फॉइल मिरर वर्क है, एंड इधर में रेड कलर का फैब्रिक अंदर से लगा हुआ है, ट्रायंगल शेप में कोटा पट्टी डिटेलिंग हो रखी है, जॉर्जेट का फैब्रिक मिलता है, फैब्रिक दोनों ही साड़ी का सेम टू सेम है, चिकना फैब्रिक है, लहरिया पैटर्न मिलता है, इस तरीके का पतला सा बॉर्डर मिलता है, जहाँ से पल्ला स्टार्ट करते हैं वहाँ से ये वाला बॉर्डर है, एंड ससुराल में जैसे नया नया साड़ी पहनना है नहीं संभाल पाते लोग, की साड़ियाँ बहुत अच्छी रहती हैं, कलर भी अच्छा है, चटक है, एंड बॉर्डर जो है बॉर्डर भी अच्छा लग रहा है, 688 की साड़ी है, प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी है, एंड ससुराल में पहनने के लिए या फिर गिफ्टिंग पर्पज से या फिर खुद के लिए मम्मी दादी चाची किसी के लिए लेना चाहती हैं तो भी ले सकती हैं, क्योंकि जॉर्जेट साड़ियाँ ना बहुत अच्छे से कैरी हो जाती हैं, ये जो बॉर्डर है नीचे में कंटिन्यू है, ऑल ओवर साड़ी है ये, पूरी ही साड़ी सेम टू सेम ऐसी है, लास्ट में ये इतना सा फैब्रिक ऐसा खाली मिलता है जिसमें बॉर्डर नहीं है, बाकी का पूरे में ये वाला इतना खूबसूरत सा बॉर्डर है, इसमें की ग्रीन कलर का भी साड़ी है, कलर का ब्लाउज के लिए फैब्रिक मिलता है, देखिए इसका जो रेड है ना ये सेटल्ड सा है तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसकी अपेक्षा में, और जो मैंने पहले दिखाया तो देखिए दोनों ही ब्लाउज के कलर में आपको समझ आ रहा होगा कि इसका जो रेड है एकदम चटक वाला रेड है, एंड इसका जो रेड है ये सेटल्ड सा रेड है तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है रेड कलर, ये इसका जो रेड है थोड़ा सा बढ़िया वाला ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है बताइएगा। 80 सेंटीमीटर ब्लाउज का फैब्रिक है, डुपिन सिल्क मिलता है ब्लाउज का फैब्रिक, ये इतना सा बॉर्डर मिलता है जो कि आपके स्लीव में भी आ जाएगा अगर पतली दुबली हैं तो, एंड बैक में भी बन जाएगा, ये इतना सा अच्छा खासा बॉर्डर मिलता है, बैक में जितना स्टिच होता है ना किनारे किनारे तो बहुत लोग वो इतनी दूर में लगवा लेते हैं बॉर्डर, तो वो भी अच्छा लगता है, एंड लाइट वेट साड़ी है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी है। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ, नेक्स्ट जो साड़ी है ये अगेन लहरिया पैटर्न में है और ये पॉली शिफॉन फैब्रिक में है, बॉर्डर वाली साड़ी है, प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग हर तरह से ये साड़ी बहुत ज़्यादा प्रिटी है, इस तरीके का बॉर्डर मिलता है, अभी ऐसे बॉर्डर वाली साड़ियाँ बहुत ज़्यादा फैशन में इन है, एंड इसमें 4 कलर ऑप्शन और मिल जाएंगे, पर्पल का बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बाद में पछता रही थी कि मुझे पर्पल कलर मंगवाना चाहिए था, ये मैंने मंगवाया है घर में, मैं किसी न किसी को दे दूँगी पहनने के लिए, मम्मी बड़ी मम्मी या फिर अपनी मम्मी को, तो ये ऊंचाई से भी इतनी अच्छी खासी है कि अगर आपकी हाइट 5-6 है तो भी आ जाएगी, एंड पॉली शिफॉन फैब्रिक मिलता है, लहरिया पैटर्न मिलता है, ये इस तरीके
तरीके का ऐसा बॉर्डर मिलता है। बॉर्डर में अच्छा खासा सा फिनिशिंग है बॉर्डर की। एंड 2.25 मीटर ये वाला बॉर्डर मिलता है जहाँ से पल्ला लेते हैं। एंड इसका पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा है, पर्पल वाला ट्राई कीजिएगा अगर आप लोग को लेना होगा तो। पर्पल वाला कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन मैंने ये वाला पता नहीं क्या सोच के मंगवाया। ये कलर भी अच्छा है लेकिन अभी ना मेरा मन अटका हुआ है उससे पर्पल वाले पे, तो हो सकता है उसे भी मैं मंगा के रिव्यू करूँ। प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, 500 समथिंग में है, आई थिंक 553 की साड़ी है, तो 553 के अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया है। इसका जो फैब्रिक वगैरह है बहुत अच्छा है, नीचे में ये बॉर्डर यहाँ तक आता है, इतना सा फैब्रिक खाली मिलता है ये जितना फर्स्ट ब्रेक में जाता है। अभी शॉप पे जाके यही लेंगी तो आपको 800-900 में यही साड़ी मिलेगी अगर किसी अच्छी शॉप पे चली जाएंगी तो। एंड लास्ट में इसी में ब्लाउज का फैब्रिक मिलता है, तो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि ऐसे प्लेन इस तरीके के फैब्रिक में ब्लाउज मिले। ये वाले फैब्रिक का ब्लाउज बनाती है ना तो एक तो फिट बहुत अच्छा आएगा, एंड सेकंड थिंग कि ये वाले फैब्रिक पहनने में भी आराम रहते हैं, में पहनना है तो भी बढ़िया रहता है। सिल्क वाला थोड़ा सा इरीटेट करता है, अंदर से भले ही लगा रहता है लेकिन गर्मियों में दिक्कत देता है, लेकिन ये सब फैब्रिक तो बहुत ही अच्छे हैं। सीफॉन फैब्रिक है ये, पॉली सीफॉन, एंड इतना मजबूत है कि जॉर्जेट के जैसा है ये, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि सीफॉन का टच दे रहा है, लेकिन है एकदम मजबूत फैब्रिक, डेली वेयर में रगड़ के पहन सकती हैं, जल्दी से फटने वाली नहीं है। ये इतना सा बॉर्डर मिलता है जो कि या फिर आप स्लीव पे लगवा सकती हैं या फिर ब्लाउज के बैक में, दो में से एक ही जगह पर आएगा, और हो सकता है बहुत हेल्दी हो तो ये बैक में भी ना आए, एक जगह पर भी प्रॉपर ना आए, लेकिन हाँ ये है 500 के अकॉर्डिंग आपको इतना अच्छा फैब्रिक मिल रहा है, साड़ी इतनी सुंदर है तो फिर ठीक है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, नहीं तो फिर आप लोग भूल जाएंगे, एंड लाइक करना मत भूलिएगा। जो मैंने साड़ी पहन रखी है ये वाली साड़ी मीशो की है, एंड ये इयररिंग्स भी मीशो के हैं, दोनों का लिंक ड्रॉप कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट साड़ी जो है, तो जो मैंने ब्लू वाली दिखाई ना उसी का ये कलर है, दूसरा कलर है, ग्रीन कलर है। ये वाली साड़ी भी 688 की है, आई थिंक ये दूसरे सेलर से है या फिर उन्हीं सेलर से है, जो भी हो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि दोनों ही साड़ियाँ बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। एंड इसमें आपको एक कलर ऑप्शन और मिल जाएगा, रेड, तो मुझे ये दोनों कलर ज़्यादा अच्छे लग रहे थे इसके लिए मैंने ये वाला मंगवाया। अगर आप किसी की मेहंदी फंक्शन में पहनना चाहती हैं तो भी ये वाली साड़ी ट्राई कर सकती हैं, अच्छी लगेगी। वेट, मैं आपको पूरी ओपन करके दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके का बॉर्डर मिलता है, बॉर्डर में देखिए अंदर से फैब्रिक लगा के ये ऐसा ट्रायंगल शेप में गोटा पट्टी डिटेलिंग हो रखा है, ये ऐसा लहरिया पैटर्न मिलता है। एंड ये देखिए पूरा 2 मीटर ये वाला बॉर्डर मिलता है, आपके नेवल पॉइंट से ये वाला बॉर्डर आएगा। एंड बॉर्डर की जो एम्ब्रॉयडरी है एकदम नीट एंड क्लीन है, ग्रीन कलर में लहरिया पैटर्न मिलता है, पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये देखिए ये इस तरीके की साड़ी है, पूरी ही साड़ी सेम टू सेम ऐसी ही है, ऑल ओवर है, लेकिन हाँ ये है लंबाई इसकी बहुत अच्छी खासी है, 5.5 मीटर लंबी है। लास्ट में इतना सा फैब्रिक ऐसा है जिसमें बॉर्डर नहीं है, और ये इसी में रेड कलर का ब्लाउज का फैब्रिक मिलता है, तो इसका भी ब्लाउज का फैब्रिक डुपिन सिल्क है, एंड फैब्रिक का क्वालिटी अच्छा है, 80 सेंटीमीटर है ब्लाउज का फैब्रिक, और ये बॉर्डर मिलता है जो कि आपके स्लीव में एंड बैक में दोनों जगह पर आ जाएगा, दोनों जगह पर भी आ सकता है, हेल्दी है तो नहीं भी आ सकता है, 688 की साड़ी है। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो साड़ी है ये कुछ इस तरीके की सीक्वेंस वर्क में साड़ी है, एंड ऐसा वेलवेट का बॉर्डर मिलता है, ये लहरिया टाइप का पैटर्न नहीं था लेकिन मैंने फिर भी दिखा दिया क्योंकि ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, एंड लाइट वेट है, प्राइस के अकॉर्डिंग भी अच्छी है, 500 to 600 की रेंज की साड़ी है। ये ऐसा लहरिया पैटर्न मिलता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था पहनने के बाद, बहुत प्यारी लग रही थी साड़ी। ये ऐसा बॉर्डर मिलता है जहाँ से हम लोग पल्ला स्टार्ट करते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये छोटा छोटा सा एकदम फ्रिल वाला डिटेलिंग हो रखा है वेलवेट फैब्रिक के नीचे, एंड जिधर फ्रंट फ्रिल बनाते हैं उधर में ये ऐसी है। ऑल ओवर साड़ी है तो ज़्यादा कुछ तो इसमें बताने के लिए नहीं है, पूरी ही साड़ी सेम ऐसी ही है। एंड इसकी जो जान है, इसका ब्लाउज का फैब्रिक है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा ये ब्लाउज का फैब्रिक मिलता है, पूरा 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही है ब्लाउज का फैब्रिक, क्योंकि जितनी लंबी साड़ी होती है ना उतना लंबा ये वाला फैब्रिक है। कलर बहुत प्यारा लग रहा है, ये इतना अच्छा खासा इतना लंबा सा ब्लाउज ये बॉर्डर मिलता है जो कि आपके स्लीव में भी आ जाएगा एंड बैक में भी आ जाएगा, हेल्दी है तो भी बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हॉल वीडियो, कैसा लगा आपको मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी साड़ी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है या फिर वीडियो देखते आ रहे हैं सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जो बगल में बेल आइकन है उसे भी हिट करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे अंदर शॉपिंग हॉल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।